और अभी तो रुको। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे कर कुछ नहीं रहा है, दरअसल में क्या है ना कि इसके पिछवाड़े में जो है ना सुलमानी कीड़ा घुस गया है। क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए जो है ना नीचे धनका के जो है ना वो अपने पिछवाड़े का सुलमानी कीड़ा मिटाना चाहता है। हाय हाय तो भाई साहब अभी जिसे आप लोग देख रहे थे उसका नाम था तंदूरी बाबा। हाय हाय होय हो। तो बस आप लोग जो है ना भाई साहब लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा ताकि ऐसा ऐसा बाबा दिखाऊंगा आप लोगों को ना कि आप लोग जो है ना यही बात बोलिए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बस आप लोग जो है ना लास्ट तक बने रहिए, वीडियो लंबा रहेगा पर कोई बात नहीं, आपका रिचार्ज का जो पैसा है ना वो वसूल हो जाएगा। इससे भी रिचार्ज महंगा हो गया है, आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो चलिए भाई साहब बात को ज्यादा ना बना के सीधा करता हूँ वीडियो स्टार्ट। यात्री गाय कृपया ध्यान। एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है। क्या बात कर रहे? चलो चल के देखते। समझो खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्कल चाहिए। ठीक है समझ गया। पिक्चर चालू करो बे। भाई साहब आप लोग जो है ना एक बार इसको देखो और सोचो कि आखिरकार ये कर का रहा है। तो कभी आगे खड़ी होगी फिर इतना बुलाना मेरा बाबा आ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आपको नहीं पता ये क्या कर रहा है? हमको नहीं पता। तो ये वीडियो को देख के और वो वीडियो को देख के, दोनों को वीडियो को देख के खुद समझ जाओ हम नहीं कुछ बोले। अब समझ में आया कि नहीं आया? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। अबे बस कर बे, हो गया नहीं तो अब एडिटिंग करना, 150 रुपया अलग से कट करेंगे ठीक है। अरे मैडम जी उसको केला कहला दिए, उसको केला की जरूरत थोड़ी ना, केला की जो तो आपको है। अबे साला कुछ गलत मत सोच लियो बे, खाने की बात कर रहा हूँ, खाने की समझे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा तो भाई साहब जरा ये वाला वीडियो भी देखे लीजिए ना, अनुरुद्धाचार्य महाराज का खुल गया पोल और अनभक्तों के पिछवाड़े में हो गया बड़का होल। हम समझाता आइए, पैसे क्यों लेते हैं? अगर सबको बताना है तो ऐसे फ्री में बताएं। ये फर्स्ट प्यासी है। फ्री में तो बता रहे हैं, अभी हम आपसे बता रहे हैं, बताओ कितना पैसा दिया आपने हमें? नींद लिए लेकिन जैसे कथा कथा भी टीवी पर आप लोग सुनते हैं तो टीवी खोल नहीं बसे, फ्री में कथा मिलती है बताइए। नहीं जैसे कोई भागवत कथा कराए तो सुनना है तो सुन लीजिए, टीवी पे इसलिए फ्री, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, टीवी पे फ्री पे वही कथा मिल रही है जो यहाँ पे मिल रही है, इसलिए YouTube पर सुन लीजिए, TV पर सुन लीजिए। क्या फ्री में सारी सेवाएं हैं जी? मैं भी यही बोलता हूँ लेकिन जब बताना ही है इतना अच्छा बताते हैं, जैसे सब ऊपर ही जाएंगे, मतलब कोई लेके नहीं जाएगा तो पैसे क्यों? अरे बाबा जी सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि तुमको फ्री में सुनना था TV पे सुनवा, तुम्हारे घर पे कथा कराना है ना तो पैसा लगेगा, 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी आपका चार्ज है, आप तो फंसिएगा तो ऊंची ऊ करके कोई फायदा थोड़ी ना। भाई साहब ये बाबा लोग ना एक कथा करवाने का ना करोड़ों करोड़ों रुपया ले रहे हैं, तभी तो हम सोचे कि हर कोई जो है ना बाबा का है बनना चाहता है क्योंकि दुनिया में सबको चाहिए पैसा, पैसा, आप लोग क्या देख रहे हैं? वो जो जितना भी दिखाई दे रहा है ना वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो पूरा जो है ना पैसा का ढेर लगा हुआ। अच्छा चौंकने की कोई बात नहीं है, आप लोग भी चाहते हैं पैसा कमाना? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ तो फिर एक काम कीजिए, जाइए और आप बाबा बन जाइए। और भाई साहब बाबा बनने के बाद जो है ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल दो सब चलेगा, बस आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। बताता हूँ दरअसल मैं कहा है ना भाई, जितना भी अनुभक्त है ना सबको एक एक चम्मच खिला दो, ये देखिए एक चम्मच गोबर दो, उसके बाद तुम जैसा बोलोगे ना वो वैसा ही गुण गाएगा, गाय की उसको जो है ना एक चम्मच खाने के बाद उसकी सोचने या समझने की क्षमता जो है ना खत्म हो जाती। हमारा तो योगी और मोदी बाप है हमारा,
योगी और मोदी बाप है हमारा। यार भाई साहब ये आपकी बात वायरल होने वाली है, हिंदुस्तान सुनेगा। हो जान दो भाई साहब, ये सब क्या है? ये सब जो है ना इक्के चम्मच क्या ना सर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं फिर जो है ना इसी तरह की बात करने लगते हैं। हमारा तो योगी और मोदी बाप है हमारा। अच्छा बात नहीं है। तो भाई साहब अभी कांवर यात्रा का सीजन चल रहा था, जरा देख लेते लोग कहाँ कहाँ तक कौन गया है। अबे साले ये क्या चल रहा है? नो 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 नो, साला पूरा कांवर यात्रा वालों को बदनाम कर दोगे, जरा सभी शर्म आया है तुम लोग। अबे शर्म कर लो, पूजा करने जा रहे हो तुम, अपने अम्मा के ना बारात में नहीं जा रहे हो। ये सब कुछ लोग जो है ना यही सही हरकत करते हैं, इन लोग को जो है ना किसी से लेना देना नहीं है। अभी साले तुमको डांस करना है तो अपने घर में जो है ना बंद करके खूब डांस करो, तो मजा लो, कोई ना रोका है। यहाँ पर ऐसी हरकत करने के बाद पूरा कवरियों को बदनाम करने की क्या कोशिश करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। भाई साहब अगर ऐसा ऐसा लोग आप लोगों को कांवर यात्रा में दिख जाए ना तो उसको वहाँ से बुला के साइड में ले जाके भाई साहब आप लोगों ने इतना दिन से यही सुना होगा कि हमारा देश ना अंग्रेजों का गुलाम था। बात तो सही है। पर हम आज ऐसा अनभक्त दिखा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा देश जो है ना वो मुगलों का गुलाम था, जरा देख लीजिए इन भक्तों को। देश मुगलों का गुलाम था ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा बताइए बीरबल कौन था? बीरबल तो ब्राह्मण थे। तो कहाँ काम करता था? अब चूंकि उनकी मजबूरी थी। अच्छा, तानसेन कहाँ कौन था? मुझे नहीं मालूम। अच्छा अंग्रेज के समय में बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे? ये भी मुझे नहीं मालूम है। तो पता है जज कितने हैं ब्राह्मण? नहीं ये मुझे नहीं पता। राम मंदिर ट्रस्ट में कितने ब्राह्मण? मुझे ये भी नहीं मालूम। मनुस्मृति पढ़े? हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा मनुस्मृति में कितने श्लोक? ये भी हमने नहीं पढ़ा है। पुराण के रचयिता कौन? ये मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं नहीं चलेगा। चलिए भाई साहब देख लिया ना इसको कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि देश जो था ना वो मुगलों का गुलाम था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरे अनुभक्त तो इसलिए कहता हूँ कि गोबर जो है ना थोड़ा कम खाओ। आप सर्च करिए कि 155 लाख करोड़ का कर्जा 9 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ। अरे यार जब पाकिस्तान को आप देख नहीं रहे हो कितनी, पाकिस्तान को आप देख नहीं रहे हो कितनी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप भाई ने कहा कि पाकिस्तान तरफ देखिए, ये कोई तरीका होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी चड्डी में एक छेद है ठीक है तो आप क्या कह रहे हैं? अरे पाकिस्तान की चड्डी में दो छेद है। ये तरक्की है बताइए इसको, इस तरह देखिए। क्या मतलब है हमारे देश की जो हालत है हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम हर बार उससे कंपैरिजन करेंगे कि मैं दो दिनों से भूखा हूँ, क्या परेशान में तो वो चार दिनों से भूखे हैं। भाई साहब अन भक्तों का हाल ना कटप्पा जैसा हो गया है, जिसको पता है कि गलत हो रहा पर गुलामी के कारण ना कुछ बोल नहीं पा रहा, वही हाल जो है ना अन भक्तों का है, उसको पता है गलत हो रहा पर गोबर जो खा लेता है ना तो उससे जो है ना सच नहीं निकल पाता। खैर इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान जरूर दीजिए। ठीक है भाई साहब, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहले से हैं तो वीडियो को लाइक करके कुछ कमेंट करना तो कर दीजिएगा। ठीक है तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनभक्तों के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।